अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाना सीखेंगे लेमन चिकन। बहुत ही कम मसाले में बनती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप इसे स्टार्टर के तौर पे भी ले सकते हो या फिर मेन कोर्स में भी इसे ऐड कर सकते हो। बहुत अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत सिंपल तरीके से इसे हम बनाएंगे। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो उसके लिए पहले हमें लेना है चिकन। यहाँ पे मैंने बोन वाली ली है, ये 1 kg है। आप चाहें तो इसे 1/2 kg भी बना सकते हैं या फिर बिना बोन वाली में भी बना सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे लेमन। ये लेमन चिकन है तो लेमन का रस तो ज़रूर चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 छोटे चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हमें मिलाने के बाद 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देना है, सिर्फ 15 मिनट के लिए। तो जब तक ये रेस्ट होती है हम इसके लिए कुछ हरे मसाले तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ली है 2 इंच अदरक का टुकड़ा, काट कर लेंगे। थोड़े से धनिया पत्ती लेंगे। 20 से 25 मैंने यहाँ पे लहसुन के जवे लिए हैं। ये छोटी वाली जवे हैं, अगर आपकी बड़ी हो तो 10 से 15 ले लें। और ये 4 से 5 हरी मिर्च ली है, ये तीखी वाली है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद ना हो तो मिर्ची कम कर सकते हैं। अब इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे, डालकर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर इसे इसका एक हम बारीक पेस्ट पीस कर तैयार करेंगे। तो ये हमारा हरा मसाला जो है रेडी हो गया है पीस कर। अब यहाँ पे देखिए चिकन को 15 मिनट हो चुके हैं रेस्ट होते हुए, तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी आप देख रहे हैं ना, ये साइड वाली, इसे हम फेंक देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने हरे मसाले पीस कर रेडी किए थे ना, वो इस चिकन में डाल देंगे, सारे डाल देंगे। और फिर ऐड करेंगे 1 कप दही। ये नॉर्मल दही है, ज़्यादा खट्टी नहीं है। वज़न में मेज़र करेंगे तो ये 150 ग्राम है, 150 ग्राम्स। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे 15 मिनट के लिए फिर से रेस्ट होने देंगे। तो टोटल हमें इस चिकन को 30 मिनट्स रेस्ट देना है। अब इसके लिए कुछ खड़े सूखे मसाले हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 छोटी चम्मच भर कर हमने काली मिर्च ली है, 1/2 छोटी चम्मच खड़ा जीरा लिए, 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा लेंगे और यहाँ पर साथ में थोड़ा सा छोटा सा नटमेग लेंगे, यानी कि जायफल। अब इसे हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है, बस 1 मिनट के लिए इसे सेकना है। हल्का सा गर्म हो जाए उतना ही। तो देखिए इस तरह से हमने 1 मिनट के लिए इसे सेक लिया है। अब इसे पीस कर एक पाउडर तैयार कर लेना है। और यहाँ पे देखिए मैंने 7 से 8 काजू हल्के से गर्म पानी में भिगो कर रखे थे 1/2 घंटे के लिए, इसे भी पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, आप कोई सा भी बर्तन में इसे बनाएं। 1/4 कप इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, यानी कि 2 बड़े चम्मच के करीब, और 2 तेज़पत्ते लेंगे, 3 से 4। यहाँ पे मैंने कबाब चीनी ली है, इसमें ज़्यादा गर्म मसाले नहीं जाएंगे, इतना काफ़ी है। अब इसमें हम चिकन को डाल देंगे। चिकन ये 15 मिनट रेस्ट हो चुकी है। अब गैस फ्लेम हमें हाई कर देना है इस पॉइंट पर। पहले एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे हम चिकन को। चलाने के बाद इसे हम ढक देंगे। ढक कर जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी ना चिकन, उसके बाद गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें करीब 10 मिनट के लिए पकने देना है। 10 मिनट के बाद ही ओपन करेंगे। देखिए तो यहाँ इसमें कितना सारा पानी छोड़ा है, चिकन का पानी, दही का पानी मिलकर बहुत सारा पानी इसमें छोड़ चुका है। तो इस पॉइंट पर गैस फ्लेम को हाई कर दें। हाई फ्लेम पर इस पानी को हमें सुखाना है और चिकन को भूनना है। और ये तेज़पत्ते जो हमने डाले थे ना, ये निकाल लेंगे क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका है। इसे हम भूनेंगे चिकन को, लेकिन बीच में हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमने काजू का पेस्ट तैयार किया था ना, वो इस पॉइंट पे डाल देंगे। मैंने इसे 3 मिनट भूनने के बाद ही ये काजू के पेस्ट को ऐड कर रही हूँ। तो अब काजू को डालने के बाद भी गैस फ्लेम हाई ही रखें क्योंकि पानी अभी काफ़ी है इसमें। तो अगर आप इसे लो फ्लेम पे भूनोगे ना तो चिकन आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और चिकन टूट जाएंगे। तो हाई फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए मैंने भून लिया है चलाते हुए। तो देख रहे ना, ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ गई है, ऊपर दिख रही है। तो इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे जो हमने खड़े मसाले, सूखे मसाले, जो ड्राई मसाले हमने तैयार किए थे ना, वो 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। आप अगर चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन 2 चम्मच काफ़ी है। अब इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से एक बार। इस पॉइंट पर मैंने गैस फ्लेम मीडियम कर दी है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करें क्योंकि इसमें ग्रेवी नहीं होती है। तो पानी डालने के बाद एक बार चला लेंगे, मिला लेंगे।
अब इसमें ऐड करेंगे क्वार्टर चम्मच, यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी लिए, रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी है, हल्का सा तवे पर गरम करके रोस्ट कर लिए, फिर उसे क्रश करके डाली है। और थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पत्ती ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हम ढक देंगे और गैस फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे हम पकाएँगे। तो 2 मिनट के बाद इसे हम ओपन करेंगे। तो लीजिए, ये हमारा बहुत ही टेस्टी लजीज लेमन चिकन बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। सर्व करते वक्त थोड़ा सा ऊपर से घी डाल दें, पिघला हुआ घी डाल दें, और जो हमने रोस्ट किए हुए मसाले तैयार किए थे ना, ड्राई किए हुए, वो थोड़ा सा छिड़क दें, थोड़ा सा धनिया पत्ती छिड़क दें। ये गार्निशिंग के लिए है, बहुत ही यम्मी बनती है। आप इस तरह से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आने वाली है। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। जल्दी मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।